अभिषेक चौधरी, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर राजस्थान से है, जहां दौसा सिकराय जिले की सिकराय में मंत्री बनने के बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के क्षेत्र में पहली बार पहुंचने पर ग्रामीणों ने स्वागत में पलक पांवड़े बिछा दिए। इस दौरान महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादे जल्द ही पूरे किए जाएंगे, वहीं किसानों की हर संभव मदद भी की जाएगी। बिजली पानी सहित विभिन्न समस्याओं का प्राथमिकता से हल किया जाएगा। संविदा कर्मियों के लिए ठोस कदम उठाकर जल्दी नियमित करने की बात भी कही। राज्य मंत्री ममता भूपेश ने महिला कॉलेज की मांग पर ग्रामीणों को समस्या का समाधान का आश्वासन दिया। वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्री ने सिकराय में पहली बार पहुंचने पर हिंगलौज माता मंदिर, देव मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में जाकर आशीर्वाद लिया। राज्य मंत्री ममता भूपेश का जगह जगह फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत हुआ। वहीं सिकराय में तोरण द्वार लगाकर उनका स्वागत किया गया। प्राइम न्यूज 24 के लिए सिकराय दौसा से योगेंद्र गुर्जर की खास रिपोर्ट। विकास हमारी प्राथमिकता है, हमारी सरकार कटिबद्ध है इस बात के लिए कि जो हमने चुनावी घोषणा पत्र जनता के बीच रखा था, घोषणा पत्र के आधार पर जनता ने हमें समर्थन दिया, हमें आशीर्वाद दिया, तो हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हम अपने जन घोषणा पत्र को अक्षर अक्षर पूरा करें, जनता से किए हुए वादों को हम पूरा करें। ऐसे कहें कि जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी आपके जनता के माध्यम से, जिन्होंने चुनाव में भरपूर समर्थन देके हजारों हजारों वोटों से जिताया है। उस जीत के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे विकास की, तो हम आने वाले समय में सिकराय को अग्रणी विधानसभा कार्यकाल में हमने डिग्री कॉलेज बनाई, आईटीआई कॉलेज बनाई और हमारा शिक्षा जो है बालिका शिक्षा को हम लोग वैसे भी प्राथमिकता से रखना चाहते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगी सभी माता पिता से, पूरे प्रदेश भर के सभी अभिभावकों से, सभी लोगों से, बच्चियों को एक सुरक्षित माहौल दें, पढ़ने लिखने का मौका दें, एक भयमुक्त राजस्थान बनाने में हमारी सबकी मदद करें। मैडम, युवाओं के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है और संविदा कर्मियों के लिए आप कमेंट के